करके देखें। पहला, नीचे दिए गए सवाल पढ़िए और बताइए कि उनके जवाब ढूंढने के लिए हमें किस प्रकार के आंकड़े चाहिए। चर्चा करके यह भी बताइए कि आंकड़े हमें कहां से और कैसे मिलेंगे। पहला, पिछले 3 वर्षों में रायपुर में पेट्रोल के दामों में क्या क्या बदलाव आए। दूसरा, इस साल देश के कौन से राज्य में सबसे कम वर्षा हुई। तीसरा, पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई। चौथा, 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी। पांचवा, पिछले 5 वर्षों में आपके गांव या शहर की जनसंख्या में क्या परिवर्तन आए। छठवा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है। सातवां, पिछले 5 वर्षों में भारत ने हॉकी में कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। आठवां, वर्ष 2010 से 2015 तक पूरे भारत में चावल का कितना उत्पादन हुआ। सोचें एवं चर्चा करें। पहला, यदि आपके स्कूल में कुल 1000 छात्र हों और यदि आपको अपनी ऊंचाई की तुलना सबसे करनी हो तो यह कैसे करेंगे। दूसरा, यदि आप अपने जिले के छात्रों के साथ अपने दौड़ने की गति की तुलना करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होगी। यह भी सोचें कि आप उन्हें कैसे व्यवस्थित करेंगे। आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण। पिछली कक्षा में आपने आंकड़ों का संग्रहण तथा प्रस्तुतीकरण सीखा है, साथ ही बारंबारता सारणी तथा आंकड़ों के आलेखीय निरूपण को भी समझा है, जिसमें आपने आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज तथा संचयी आवृत्ति वक्र आदि बनाना सीखा। इन चित्रों के आधार पर हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त करते हैं तथा उनसे निष्कर्ष भी निकालते हैं। आइए कुछ इसी तरह के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। स्तंभ आलेख का अध्ययन। किसी प्रदेश में विभिन्न वर्षों में हुए गेहूं के उत्पादन को इस आलेख द्वारा दर्शाया गया है। इस आलेख को देखने से गेहूं उत्पादन के बारे में कौन कौन सी बातें स्पष्ट दिखती हैं। आलेख को पढ़कर इन सवालों के जवाब खोजें। पहला, 2007-08 में गेहूं उत्पादन कितने टन था। दूसरा, किस वर्ष में गेहूं उत्पादन सबसे अधिक हुआ। तीसरा, क्या यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई है। चौथा, किन 2 वर्षों के बीच गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ। करके देखें। तालिका का अध्ययन। वर्ष 1980 से 1989 तक एक शहर में हुई वर्षा के एकत्रित किए गए आंकड़ों को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है। वर्षा से संबंधित इन आंकड़ों का अध्ययन कीजिए, स्तंभालेख बनाइए तथा इनके आधार पर कम से कम 5 अलग अलग तरह के निष्कर्ष लिखिए। माध्य, माध्यिका, बहुलक। आपने आंकड़ों से बने स्तंभ आलेख व आवृत्ति वक्र से कुछ सवालों के जवाब ढूंढे तथा निष्कर्ष निकाले। क्या स्तंभ आलेख को देखकर यह बता सकते हैं कि 2005 से 2012 तक गेहूं का औसत उत्पादन प्रतिवर्ष कितना रहा। क्या हम यह बता पाएंगे कि आंकड़ों को क्रम में रखने पर कौन सा वर्ष ठीक बीच में आएगा। फिर दूसरी तालिका से यह जान सकते हैं कि इस शहर में औसतन 1 वर्ष में कितनी बारिश होती है, या यह कि सामान्यतः बारिश होने की उम्मीद की जा सकती है। स्तंभ आलेख देखकर हम आंकड़ों के क्रम व उनके रुख के बारे में नहीं बता सकते। इसके अलावा औसत उत्पादन निकालने के लिए हमें अंकगणितीय औसत चाहिए। आइए याद करें हम यह कैसे निकालते हैं। अंकगणितीय औसत या समांतर माध्य, एरिथमेटिक मीन। अब हम 2005 से 2012 तक गेहूं के औसत उत्पादन की गणना करने के लिए प्रत्येक वर्ष के गेहूं के उत्पादन 100,000 टन में को जोड़ेंगे तथा उसे कुल वर्षों से भाग देंगे। आइए देखें कि गेहूं का औसत उत्पादन कितना रहा। कुल उत्पादन बराबर 68.64 धन 69.35 धन 75.81 धन 78.57 धन 80.80 धन 80.80 धन 86.87 धन 93.90 बराबर 634.74 लाख टन। 2005 से 2012 तक
कुल वर्ष बराबर 8 वर्ष, औसत उत्पादन बराबर 634.74 बटे 8 बराबर 79.34 लाख टन। यहाँ हमने गेहूं के औसत उत्पादन की गणना की है। आंकड़ों के औसत को सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं, यानी जब आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो आंकड़ों को जोड़कर कुल आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं। सूत्र के रूप में इसे इस प्रकार से लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। यदि प्रेक्षणों को x लिखें तो प्रेक्षणों का योग समेशन x तथा प्रेक्षणों की संख्या n हो तब समांतर माध्य बराबर समेशन x बटे n। समांतर माध्य को प्रायः am या m अथवा x बार से प्रदर्शित किया जाता है।